नाम नाम बोलो अपना, नाम की है, नाम बोलोगे अपना ब्रदर? हुज़ैफ़ा खालिद, हुज़ैफ़ा खालिद, हुज़ैफ़ा खालिद। ओके, किस जगह से कॉल कर रहे हो? पाकिस्तान पंजाब गुजरांवाला जी। ओके, की है, की प्रॉब्लम है क्या, की है मसला? मसला सर जी है कि 12 जून मेरे वालिद साहब वफात पा गए ने ते मैं ते मेरी वालिदा है वहां पीछे। ओके, मतलब मेरा कोई पैंतरा और नहीं है, मतलब असि दो ही फैमिली विच रह गए। ओके, ते मैं तुहाडे कोल इनफॉर्मेशन लेना चाहुंदा सा कि जे मैं स्टडी वीजा ते नवा कैनेडा टोरंटो। ओके, ते मैं अपनी मदर नु अपने कोल विजिट वीजा ते बुला सकना वा? स्टूडेंट वीजा जब जब तुहाडे कोल होएगा, जब तुसी स्टूडेंट हुंदे हो कैनेडा, विजिट विजिट वीजा बुला तो सकते हो, लेकिन कोई पर्पस होगा, जिस तरह कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी हो या कुछ और कोई खास स्पेसिफिक पर्पस हो तो मदर मदर आ सकती है। बाकी देयर इज नो गारंटी, कोई इस तरह की गारंटी नहीं है कि स्टूडेंट वीजा बेटे को है तो मदर नु मिल जाएगा, देयर इज नो गारंटी। पर हाँ, कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है तो वीजा मिल जाता है। ठीक हो गया। जो आप पे तो अप्लाई करने आ सकते हैं विजिट वीजा से, मतलब मेरा नाम दस के आन ऑन जाजन नहीं, वो फिर वो तो जब एप्लीकेशन वो फाइल करेगी तो वो लिखेगी सारा कि भी किथे चली है, किधर की एड्रेस है, कौन है, फैमिली मेंबर्स कौन है, सारा तो आ जाएगा, सारा उन्हें तो पता लग जाएगा कि शी इज गोइंग टू विजिट यू। ओके, वो तो पता लग जाएगा, वो तो वो सीक्रेट रखना मुश्किल मुश्किल है। सही है। तो मैं तो आपको यह पूछना चाहता मैं कि मरियां वर्क परमिट थे या विजिट वीजा थे, मैं अपनी मदर को अपने कॉल बुलाना वहाँ। तो साड़ी जिधे फैमिली रिलेशंस दे थे वो इन्हें चंगे नहीं हैं कि ऐसे पाकिस्तान में मतलब सरवाइव कर सकने हैं, क्योंकि मैं आप पे 13-16 साल अपने वाल साहब को ओमान विच रहा सा, पाकिस्तान में काट रहा सा। तो साड़ी तरह से इन्हें रिलेशंस अच्छे नहीं अपने रिलेटिव के नाल। तो जे अपनी मदर को अपने कॉल उत्थे बुला के मैं असाइलम कर पावा था, इज इट ईजी? और सर जी देखो इस तरह है, जब तुम्हें स्टडी वीजा मिल गया, अगर मिल गया स्टडी परमिट तो तुम पहुंच गए कैनेडा, फिर असाइलम करने का कोई मतलब ही नहीं। असाइलम पहली गलत है, असाइलम तो रिफ्यूज हो जाएगा, तो दूसरा तुम अपने मदर ले भी प्रॉब्लम, तुम अपने मदर मदर ले भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। अगर असाइलम एप्लीकेशन कर दोगे सारी फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मदर का भी रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। सो इस करके गलत स्टेप ना लो। सही हो, मतलब मैं जाना कि इतने कल्ले ना रहन, मेरे कोल ही रहन, क्योंकि ऐसी दो ही होन जी हैं। I understand, मैं समझ रहा कि तुम्हारी परेशानी की है, पर जो चीज तुम सोच रहे हो ये सही सही स्टेप नहीं है, ये गलत स्टेप है। इस स्टेप तो तुम्हारे फ्यूचर का, कैनेडा का फ्यूचर, इनफैक्ट यू एंड योर मदर दोनों का मुश्किल पैदा हो जाएगी। कोई और मतलब इसका मेथड है कि किसी तरीके से रख पाओ? कोई तरीका नहीं है, स्टडी वीजा ले लो, स्टडी वीजा लेके जाओ कैनेडा, उसे पढ़ाई करो, एक साल दो साल की पढ़ाई करो, जब कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, इस तरह का कोई इस तरह का कोई फॉर्मल कोई फंक्शन होगा, तो फिर तुम अपने मदर को इनवाइट कर सकते हो। देयर इज नो गारंटी ऑफ कोर्स, उन्होंने सारे फंड्स देखने हैं, सारा देखना है, बोर्डिंग लॉजिंग ते एस्टैब्लिशमेंट की है कि उन्होंने प्रूफ ऑफ इनकम है, सारा देखना है। उसके बाद फिर अगर जो वीजा उन्होंने मिल गया तो एक आन जाने का राह खुल जाएगा। जब तक तुम आप PR नहीं बनते तब तक वो एक लॉन्ग टर्म वीजा जिस तरह सुपर वीजा है, इस तरह से रहना वहाँ भी मुश्किल है। आते जाते रह सकते हैं, 6 महीने आ गए चले गए फिर चले गए, साल बाद फिर आ गए, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ते जे मैं स्टूडेंट वीजा ते आया हूँ ते मेनू किन्ने मतलब साल, मतलब मैं करना है एडवांस डिप्लोमा करना है सैनिका कॉलेज टोरंटो विच। ओके, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ PR ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? PR ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ 3-4 ਈਅਰਸ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਗਿਵ ਔਰ ਟੇਕ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ PNP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਆਫਰ, ਤੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਿਟਵੀਨ 3-4 ਈਅਰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PR ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ PR ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਲੋਟ ਸਰ ਜੀ।
थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।